हाय गाइस, केसरी ट्यूटोरियल सेल्फ एजुकेशन डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए एमपी जीके जो पार्ट वन में है, अक्सर व्यापम से जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एमपी जीके मोस्टली आती है एंड एमपीपीएससी से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपी जीके पार्ट वन। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए होशंगाबाद, सिवनी, सीधी, मंडला। इसका करेक्ट आंसर है मंडला। सेकंड क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो चंबल नदी है तो उसका उद्गम स्थल किस जिले से होता है? ऑप्शन है मंडला, शहडोल, खरगोन, इंदौर। करेक्ट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? ऑप्शन है मांधव, कानाकिसली, बांधवगढ़, संजय। करेक्ट आंसर है कानाकिसली। नेक्स्ट है, जाज महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असीरगढ़ में, मांडवगढ़ में, ग्वालियर में, पचमढ़ी में। इसका करेक्ट आंसर है मांडवगढ़ में। मध्य प्रदेश में इक्वल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भाव, रचनात्मक उर्दू लेखन, राष्ट्रीय एकता, शौर्य। करेक्ट आंसर है रचनात्मक उर्दू लेखन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मेहर, भेड़ाघाट, खजुराहो, मांडवगढ़। करेक्ट आंसर है खुजराओ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले को सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला नहीं है? ऑप्शन है हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा। इसका करेक्ट आंसर है हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सरज जोशी, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? ग्वालियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर एल्क्लॉयड फैक्ट्री नीमच, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल लेदर फैक्ट्री। करेक्ट आंसर है भोपाल लेदर फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है माड़िया, कोरकू, मुड़िया, बैगा, दंडामी। इसका करेक्ट आंसर है मुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सतना में सन 1873 में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मुलभावी, अशोक, कनिंगम, हेलिडोरस। करेक्ट आंसर है कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है वह किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन है इसके सोन, नर्मदा, बेतवा, छिप्रा। करेक्ट आंसर है छिप्रा, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। अभी 2016 में लगा हुआ था, अगले 12 वर्ष बाद 2028 में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया? ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। जो एशिया का तीसरा लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान इंदौर में स्थापित है, वही भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में स्थापित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है तुंगभद्रा घाटी, तवा घाटी, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी। करेक्ट आंसर है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था? ऑप्शन है 2 मार्च 2007, 1 जनवरी 2008,
2 फरवरी 2005, 12 फरवरी 2006। करेक्ट आंसर है 2 फरवरी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है? इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है 10, 50, 29, 17। करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था? भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1970, 1959, 1965, 1978। करेक्ट आंसर है 1965। मध्य प्रदेश में कहाँ लाख बनाने की शासकीय कारखाना स्थित है? ऑप्शन है बानवा, उमरिया, झाबुआ, इंदौर। करेक्ट आंसर है उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, उज्जैन। करेक्ट आंसर है बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है भोपाल, धार, उज्जैन, इंदौर। करेक्ट आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागजी कारखाना है? ऑप्शन है रायसेन, बुरहानपुर, झाबुआ, भोपाल। करेक्ट आंसर है बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित है? ऑप्शन है मुरैना, धार, पीथमपुर, गुना। करेक्ट आंसर है पीथमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम है? वसुधा, मृगनयनी, कलमाई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है 5.5%, 6.6%, 7.6%, 4.4%। करेक्ट आंसर है 7.6%। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? ऑप्शन है परिवहन, सामाजिक सेवाएं, सिंचाई, ऊर्जा। करेक्ट आंसर है सामाजिक सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? ऑप्शन है जेपी सीमेंट द्वारा, अल्ट्राटेक द्वारा, एसीसी द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। करेक्ट आंसर है बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट है, रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है इंदौर में, इटारसी में, जबलपुर में, भोपाल में। करेक्ट आंसर है जबलपुर। डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री जो जबलपुर में स्थित है, अक्सर इससे ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछा गया है कि भारत मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाने या व्हीकल प्रोडक्शन कहाँ पर स्थित है, तो वो जबलपुर में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? ऑप्शन है मंदसौर, राजगढ़, बुरहानपुर, झाबुआ। करेक्ट आंसर है बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग का घनत्व है? ऑप्शन है रतलाम, भोपाल, इंदौर, धार। करेक्ट आंसर है धार। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है उज्जैन, रतलाम, भोपाल, इंदौर। करेक्ट आंसर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। करेक्ट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? ऑप्शन है रायसेन, देवास, मंदसौर, अशोकनगर। करेक्ट आंसर है देवास। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? ऑप्शन है भोपाल, होशंगाबाद, झाबुआ, उज्जैन। करेक्ट आंसर है होशंगाबाद। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन 1960, 1980, 2000, 1972. करेक्ट आंसर है 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू. इनमें से कोई नहीं. करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू. मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना का सही अवधि है? ऑप्शन है 1960-65, 1950-50-60, 1965-70, 1956-1961 तक. करेक्ट आंसर है 1956-1961 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत की गई? 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2005-6. करेक्ट आंसर है 2010-11. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसने चलाई थी, किसके लिए चलाई गई थी? ग्रामीण गरीब लोगों के लिए, शहरी गरीब लोगों के लिए, अनाथ बालकों के लिए. इनमें से कोई नहीं. शहरी गरीब लोगों के लिए. नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में श्यामा मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए, छात्राओं के लिए, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, उपरोक्त सभी. करेक्ट आंसर है सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2007, 2008, 2002, 2004. करेक्ट आंसर है 2004. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की छानबीन निम्न में से कौन करता है? इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, उपरोक्त सभी. करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2000-2001, 2010, 2011, 2005, 2004, 2009, 2010. करेक्ट आंसर है 2009, 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जिले का है? ऑप्शन है अलीराजपुर, भोपाल, उज्जैन, झाबुआ. करेक्ट आंसर है झाबुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डिमराई लोक कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है मालवा लोक का नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, भोपाल का लोक नृत्य, बुंदेलखंड का लोक नृत्य. इनमें से कोई नहीं. करेक्ट आंसर है भोपाल का लोक नृत्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल को लोकप्रिय लोक चित्र कला है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड. करेक्ट आंसर है मालवा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य है? अर्धौनी, कर्मा, भगौरिया, दशहरा. करेक्ट आंसर है भगौरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति बैगा नृत्य करती है? ऑप्शन है बैगा जनजाति, जारवा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति. करेक्ट आंसर है बैगा जनजाति. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर है? ऑप्शन है इंदौर, रतलाम, विदिशा, झाबुआ. करेक्ट आंसर है इंदौर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है राजगढ़, इंद्रगढ़, गुना, अशोकनगर. मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है इसका इंद्रगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है? ये भी ऑप्शन है राजगढ़, इंद्रगढ़, गुना, अशोकनगर. करेक्ट आंसर है इंद्रगढ़. Thanks for watching this video and please subscribe this channel. Second part upcoming, more next. जल्दी लेकर आएंगे second part, तो subscribe करना ना भूलें, जिससे आपको कुछ questions ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पढ़े होंगे लेकिन आपको answer declare नहीं होगा, तो आपको answer declare हो जाएगा. अगर कोई जानकारी चाहता तो please comment box comment कीजिए, आपको फुल डिटेल मिल ही जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.